नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों आज हम आपको कूल्हे का दर्द, हिप्स पेन यानी डिल पटक सिंड्रोम की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कूल्हे के दर्द के कारण व्यक्ति का चलना, फिरना, उठना, बैठना तक मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कूल्हे का दर्द हमारे कूल्हे, हमारे पिंडली और ऊपरी जांघ तक होता जाता है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर बैठे रहने का काम होता है और रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा स्पाइन से जुड़े विकारों के कारण भी हिप्स पेन की समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि कूल्हे के दर्द की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कूल्हे के दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती मिलती है। यह अभ्यास डीप बटक सिंड्रोम, हिप्स पेन, कूल्हों के दर्द की समस्या को दूर करता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय आप अपने हिप्स पर, अपने कूल्हों पर, अपनी जांघों पर एक तनाव को महसूस करेंगे और फिर ऐसे नीचे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रख लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड ऐसे ही रुके हैं। और फिर नीचे ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए कम से कम आप 5 से 6 बार कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकंड ऐसे ही रुके। यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने के पास रख लीजिए और ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। कुछ देर रुके हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अभ्यास को दोनों साइड से आप कम से कम 8 से 10 बार करें। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे संपूर्ण शरीर पर एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही आप इसे लेफ्ट राइट साइड से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर
ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से एक फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखना है और अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराना है, अपोजिट साइड आपने देखना है। दोस्तों यह अभ्यास कुल्हों में दर्द, हिप्स पेन, डीप बटक सिंड्रोम की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट लेफ्ट पैर के ऊपर ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने के पास से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेना है, अपोजिट साइड आपने देखना है। कुछ देर ऐसे ही रुके दोस्तों। इस अभ्यास को करते समय आप अपने हिप्स पर, अपने जंघा पर, अपनी कुल्हों पर एक तनाव को महसूस करेंगे। टेन सेकंड ऐसे ही रुकते हैं, फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने राइट पैर के ऊपर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं। जितना आप कर पाते हैं उतना ही प्रैक्टिस करें और ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड आपने मोड़ लेना है, अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं।